गाइस मैंने साड़ी वगैरह चेंज कर दी, पर एक कुर्ता डाल लिया ग्रीन कलर का, क्योंकि आज हरियाली तीज है ना मम्मी। हाँ तो हरा ही पहनूंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। और हाँ, एक बात तो बोलना भूल ही गई, हैप्पी हरियाली तीज सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को और जो नहीं है उनको भी। तो गाइज, आज जो आपको मेरा व्लॉग मिल रहा है वो फ्रेश व्लॉग है, बिकॉज काफ़ी दिनों से आप लोगों को शिकायत है कि मतलब पुराने व्लॉग्स डाल दिए, पुराने व्लॉग्स डाल रही हो। तो मैंने कहा एक ताज़ा व्लॉग बना के डाल देती हूँ, क्योंकि मैं व्लॉग्स अब नहीं बनाती हूँ, ये चीज़ आप लोग जानते हो। तो मैं इसीलिए इतना गैप ले लेके वीडियोज़ डालती हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पे अब नहीं डालती हूँ वीडियोज़। ये तो जस्ट कुछ स्पेशल हो रहा होता है लाइफ में तो डाल देती हूँ। वो डेली आप लोगों ने देखा है, मैं अब वीडियोस शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को शिकायत रहती है। तो एक फ्रेश व्लॉग तो बनाए दे रही हूँ आज। तो गाइस, जैसे कि हरियाली तीज है, तो देखिए हम बिल्कुल हरे हरे हो रखे हैं, बिल्कुल। देखिए ब्लाउज एक्चुअली मेरे को हरा ही डालना चाहिए था, लेकिन क्या करें, इसकी जो बॉर्डर है ना, इसका जो ब्लाउज है एक्चुअली में वो रेड ही चलेगा इसके ऊपर। देखा इस अभी टाइम ऐसा हो रहा है, लगभग 11 बज रहे हैं। आज मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया सारा काम ख़त्म करने में, बिकॉज मशीन लगाई और उसके बाद मशीन के बाद फिर मतलब वैसे कपड़े धोने के बाद जो बेडशीट्स थे सारे रूम्स के वो धोए, तो मैंने इस वाले पे अभी बेडशीट बिछाई, कंबल गिम्बल बिछाया, मतलब मेरा साइड में कंबल भी रहता है नीचे उधर, वो बिछाया। और उसके बाद फिर नहाने गए, उसके बाद तैयार हुए। तो अभी जस्ट तैयार होके आए हैं, और अभी मैंने सुबह से भी कुछ खाया वाया नहीं है मैंने। तो अभी किचन में जाते हैं, देखते हैं क्या बनाना है क्या नहीं, क्योंकि आज त्यौहार है, तो त्यौहार के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो एक्चुअली इतना काम कर करके थक गए बिल्कुल। और मैंने एक्चुअली ना थोड़ा डीप क्लीनिंग भी करी थी, डस्ट बहुत हो रही थी, तो मैंने कहा लो कर देते हैं। देखिए पूरा ये सब इस पर पूरा डस्ट हो जाता है, तो ये सब चमकाया फिर, और सब कैबिनेट वगैरह सब गंदे हो रहे थे, साइड कॉर्नर टेबल्स ये सारे गंदे हो रहे थे, इन सबको चमकाया। उसके बाद जाके नहाया, फिर तैयार हुए, तो टाइम बहुत हो गया। तो वैसे ये भी थोड़ा रेस्ट भी कर रहे, बिकॉज थकान हो जाता है काम करते करते। और ब्रेकफास्ट करेंगे, और आज ब्रेकफास्ट भी इतना हैवी बनाऊँगी ना कि लंच नहीं बनाना पड़े। जिस दिन त्यौहार होता है ना, उस दिन हमारा ब्रेकफास्ट बहुत हैवी बनता है, तो उस समय ना मतलब हमारी और मतलब मेरी और मम्मी की मेहनत दोपहर की बच जाती है। तो अभी ऐसे जाते हैं, अभी कुछ खा लेते हैं, बिकॉज़ क्योंकि डिनो को तो मैंने थोड़ा बहुत बना के खिला दिया था, पर अभी मैंने नहीं खाया है, मम्मी ने भी नहीं खाया है। तो अभी मैं जा रही हूँ बाहर, यू नो बाहर जा रहे हैं, और बनाते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइस, आज ही मैंने नए बिछिए पहने, ये मेरी मायके वाली मम्मी ने लाए मेरे लिए, तो मैंने सोचा वो भी दिखा देती हूँ। और आलता तो लगाना था ही, क्योंकि आज हरियाली तीज है। तो गाइस, बनाने जा रही हूँ लंच या ब्रेकफास्ट जो भी समझ लीजिए, कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। तो आलू बॉईल कर लिए हैं, अब छील रही हूँ बैठ के, और बीच बीच में डीनो भी आकर मुझसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, और किचन में खड़ी हैं मम्मी खीर बना रही हैं, वो भी कुछ ना कुछ पूछ रही हैं मुझसे। तो हमारी कुछ बातचीत चल रही है, साथ के साथ कटिंग और ये सब भी चल रहा है। तो डाल रही हूँ खूब सारी हरी मिर्च, दरअसल मुझे स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, पर आगरा में जो भी मिर्च पापा लेके आते हैं ना, वो उतने स्पाइसी नहीं होती है। बैंगलोर की तो मिर्च बाबा रे बाबा, मैं वहाँ पे एक मिर्च खाती थी ना, खा नहीं पाती थी पूरी, इतनी मिर्च होती थी उसमें। और गैस हरा धनिया भी नहीं था घर में, तो इतने टाइम अब किसको भेज के मंगवाती। तो मैंने बिना धनिया की ही कचौड़ी का स्टफिंग रेडी कर दिया। तो और इतना आलू गर्म था ना, पर मैंने फिर भी पूरी हिम्मत के साथ उसको मैश करना शुरू कर दिया। हालांकि मम्मी कह रही थी बेटे वो यूज़ कर लो ग्लास या कटोरी, उससे मैश कर लो, मैंने कहा नहीं इसी से करेंगे खाली देखो। तो गाइस, अब सरसों के तेल में तलूंगी अपनी कचौड़ियाँ। मम्मी तो कह रही थी कि तुम्हें अगर इसमें कुछ स्मेल वगैरह लगती हो तो रिफाइंड यूज़ कर लो, पर मैंने कहा नहीं, कचौड़ी तो सरसों के तेल में ही अच्छी लगती है। तो मैं एक साथ ना कम से कम 4 या 5 बना के रेडी कर लेती हूँ, तब तक तेल गर्म हो जाता है, और उसके बाद एक एक करके तलती हूँ मैं। इससे क्या है ना, मतलब लेट नहीं होता मामला, अदरवाइज़ काम बहुत डिले होता है। तो और गाइस, मेरी जो कचौड़ी का साइज़ होता है ना, वो भी काफ़ी बड़ी साइज़ में रखती हूँ। हालांकि आज मैंने फिर भी पापा की वजह से छोटी छोटी साइज़ में रखी हैं, थोड़ी छोटी मतलब ज़्यादा नहीं। मम्मी की तो और ही चुन्नू चुन्नू होती हैं, वरना मेरी एक कचौड़ी पेट भर देती है। और गैस, मुझे आलू की कचौड़ी इतनी पसंद है, मतलब इसके सामने कोई कचौड़ी मुझे अच्छी नहीं लगती।
एक मुझे मेरी मम्मी है उनके हाथ की खस्ता कचौड़ियाँ अच्छी लगती है, वो जो एक चना दाल वाली बनाया करती हैं, वो वाली जिसे शायद सत्तू बोलते हैं उसकी बनाती हैं, वो पसंद है बहुत। पर वो मैदा में बनती है तो वो अनहेल्दी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये अच्छी होती है आटे में बनती है। और गाइज़ मैंने साथ में बनाई है आलू मटर की सब्ज़ी, मुझे ये बॉयल्ड आलू वाली सब्ज़ी अच्छी लगती है खासकर से पूड़ी के साथ, तो मैंने कहा दो चार आलू बचे हुए हैं इनसे बना लेते हैं। और ये सब्ज़ी 10 मिनट में बन भी गई बिकॉज इसमें प्याज डालना नहीं था और आलू बॉयल्ड थे। गाइज अब हम ब्रेकफास्ट लंच सब साथ ही करने जा रहे हैं बिकॉज करते करते 1 बज गया है। पकवान मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाया है मैंने। देख सकती हैं कचौरी बनाई है, पूड़ी, और ये आलू मटर की सब्ज़ी, भिंडी मम्मी ने बनाई है और खीर मम्मी ने बनाई है, ये 3 आइटम मैंने बनाए हैं। तो गाइज खा लेती हैं फिर आप भी खाओ। को तो हम अंदर वहाँ भी खा सकते थे हॉल में, बट वहाँ बेटू टीवी देख रहा है बहुत तेज़ आवाज़ में, तो मेरे का सब सुनाई नहीं देगा आप लोग को जो भी मैं बात करूँगी, तो इसलिए ऐसे अंदर आ गए अपने कमरे में। और मैंने मम्मी से पूछा मम्मी खाना खा लो, तो मम्मी ने मना कर दिया, बोला पापा ने नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं अभी। तो उन्होंने कहा तुम मत भूखी रहो, लेकिन तुम जाओ खाओ जाके, और पापा जब उठेंगे क्योंकि दरअसल वो सो गए, तो जब वो खा लेंगे उसके बाद मैं खाऊंगी, ऐसा होता है दरअसल। या तो खिलाती हूँ मैं आपको। और आपको पता है गाइस मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, दिल्ली में है, उनका कुछ कोर्स है जिसकी वजह से वो दिल्ली गए हुए हैं, इनफैक्ट वो कोर्स लंबा चलेगा तो दिल्ली में ही है वो। अब मैं ये समझ लीजिए अकेले रहती हूँ यहाँ पे, वो 1 वीक में एक बार लगभग आते हैं, तो अब वो कल चले गए वापस, 2 दिन के लिए आए थे, अब वो डायरेक्ट रक्षाबंधन से पहले आएंगे, तब तक नहीं आएंगे। तो अब मैं मतलब अकेले रहती हूँ मम्मी के साथ, पतिदेव देखने के लिए भी नहीं मिलते मेरे को। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा अभी क्या खाया, तो उन्होंने तो नॉर्मल फूड खाया है, और यहाँ पे देखिए हम पकवान बनवा बनवा के खा रहे हैं, त्यौहार में हमारे घर यही सब बनता है। पहला वाइट, काफ़ी दिनों से मैंने आप लोगों को खिलाया नहीं ना, मुझे याद है बहुत टाइम हो गया है। मैं जो भी बनाती हूँ सब्ज़ी थोड़ी मुझे थोड़ा तीखा पसंद है, तो मैंने ये सब्ज़ी थोड़ी स्पाइसी बनाई है, पापा को कुछ ज़्यादा स्पाइसी ना लगे। सुबह से अब खा रही हूँ बहुत, आज बुरी थकान हो गई, पैर बहुत दर्द हो रहे हैं, ऊपर से ना आधी थकान तो इन कपड़ों को पहन के होती है, साड़ी वगैरह गर्मी में खासकर से। हालांकि अभी तो वेदर थोड़ा ठीक है आगरा में, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती। गाइस सच बताओ ना तो खाना इतना टेस्टी लग रहा था मुझे, और मुझे एक्चुअली भूख भी बहुत लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था और डायरेक्ट 1:30 बजे खाना मिला मुझे। मेरा लंच तो हो चुका है, पर ये जो सब्ज़ी है ना इतनी टेस्टी लग रही है कि भी चम्मच से खाऊंगी बैठ के, खा ली, लेके आई हूँ अभी थोड़ी सी, और मैंने 2 पूड़ी 1 कचौड़ी खा ली, 1 मुझसे खाई नहीं गई तो मैंने छोड़ दी, लेकिन सब्ज़ी मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। मतलब पूरे दुनिया के जितने भी पकवान है ना वो एक साइड रख दीजिए, और ये जो सब्ज़ी आलू मटर वगैरह वाली इसको एक तरफ रख दीजिए, तो हम यही चुनेंगे, इतनी पसंद है मुझको। जैसे ये वाले तो बॉइल्ड वाले जो आलू होते हैं ना उससे बनाई है मैंने, नहीं तो नॉर्मली मैं वो काट काट के बनाती हूँ ना, वो भी बहुत अच्छी लगती है, उससे मैं चावल खाती हूँ मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, और इस तरह से जो ये बॉइल्ड वाले होते हैं ना इससे पूड़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे पर्सनली मुझको, बाकी घर वालों को भी नहीं जानती हूँ। और मैंने हालांकि पतिदेव को भी देखा है, वो ये वाली सब्ज़ी थोड़ा मन से खाते हैं, उन्हें भी अच्छी लगती है। अब आज वो पता नहीं क्या फूड खाया होगा उन्होंने, कहीं ना कहीं हमने तो जो खाया है वो तो नहीं खाया होगा, थोड़ा सादा सिंपल फूड खाया होगा। खा लेती हैं भाई, थोड़ा सा नींबू डाला मैंने तो हल्की खट्टी खट्टी अच्छी लग रही है। इसमें प्याज नहीं डाला है क्योंकि जो हमारे त्योहारों पे घर में खाना बनता है ना उसमें प्याज नहीं डालती मम्मी, तो मैंने इसमें प्याज नहीं डाला, और मम्मी ने भिंडी में प्याज नहीं डाला था। गाइस दोपहर का टाइम हो चुका है, लगभग 3 बज रहे हैं मम्मी, नहीं हाँ फिर 4 बज रहे हैं क्या, 4 नहीं बज रहे, 3 होंगे या 2:30 हो, नहीं 2 तो बजने वाले थे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सन्नी से बात कर रही थी। अच्छा, तो 3 बज रहे होंगे।
तीन बजने वाली है गाइस, रुको मैं कंफर्म करूँ देख के ज़रा। गाइस 3:13 हो रहे हैं, यानी मैं बिल्कुल सही थी। तो गाइस मैंने साड़ी वगैरह चेंज कर दी, पर एक कुर्ता डाल लिया ग्रीन कलर का, क्योंकि आज हरियाली तीज है ना मम्मी। हाँ तो हरा ही पहनूंगी। करो मम्मी, राधे राधे कर लो। राधे राधे। बहुत टाइम से लोग मिलना चाह रहे थे, तो मैंने कहा अभी मिलवा देती हूँ। वैसे सोचा था मैंने कि शाम को चाय पे मिलवाऊंगी, पर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा अभी राधे राधे करा देती हूँ। और हरियाली तीज की शुभकामनाएं दे दो आप। हाँ हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नींद आ रही है, दरअसल दोपहर का खाना पीना हो चुका है ना, तो बड़ा आलस आ रहा है हमें, पूरा आलस आ रहा है। तो गाइस मैं भी सोच रही थोड़ा यहीं पे सो जाऊं मम्मी के पास ही, क्योंकि अकेले जिंदगी कट रही है भाई मेरी तो। तो मैं तो इधर ही अब मम्मी के बगल में सो जाऊंगा एक दो घंटे, एक डेढ़ घंटे के लिए। फिर शाम को ऐसी चाय पे मिलेंगे आप लोगों से, और ये डीनो को तो नींद आती नहीं है कभी। चलिए मिलते शाम को, तब तक इंतज़ार कीजिए। तो गाइस शाम के 5 बज रहे हैं, चाय का प्रोग्राम बन चुका है, तो सारे मसाले मसूले डाल दिए हैं, चाय पत्ती डाल दी है, क्योंकि चाय को मैं बहुत सीरियसली बनाती हूँ, उसमें काफ़ी सारे मसाले होने चाहिए। और गाइस पहले की टाइम मेरे को याद आ रहा है कि मैं और हस्बैंड 6:30 आते थे कभी कभी चाय पीने के लिए, तो हम लोग चाय साथ में पीते थे। मम्मी पापा को पहले पिला देते थे, बाद में मैं और ये पीते थे। तो अब वो टाइम नहीं रहा हमारा, क्योंकि हस्बैंड पिछले 1 महीने से हैं ही नहीं, मतलब आते जाते रहते हैं वो, मतलब हफ्ते में डेली 7 दिन रहते हैं, 1-2 दिन इधर रहते हैं, ऐसे करके चल रहा है काम। तो और कभी कभी बीच में और भी ज़्यादा टाइम हो जाता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि 10-10 दिन नहीं आते। तो अब चल रही है लाइफ, कट रही है उनके बिना, हालांकि अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करें मजबूरी। तो पर चलो मम्मी के साथ मेरा टाइम पास हो जाता है, बट ये ना कहीं अंदर से रहता तो है ही, क्योंकि ये चीज़ तो देखो हर कोई समझेगा कि बिना हस्बैंड के तो कैसा लगता है, अजीब सा लगता है बड़ा। पहले वो हालांकि रहते तो बिज़ी थे घर पे, वो रहते कम ही थे पहले भी, लेकिन एक आस तो रहती थी कि चलो इतने बजे आएंगे या जो भी, तो दिन में 1-2 बार देखने के लिए तो मिलते ही थे। अब तो कुछ रहा नहीं ऐसा। तो गाइस देखिए हरियाली तीज अभी भी मन रही है मेरी, हरे कलर के कपड़े भी पहन रहे हैं मैंने, और मेरी चाय वाय हो चुकी है, और ये व्लॉग एंड करने का टाइम हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।